राम मंदिर के बाद आई मस्जिद की बारी। अयोध्या में मंदिर मस्जिद के होंगे दर्शन। इस्लामिक मुल्कों का भरोसा बनी मोदी गारंटी। अयोध्या की मस्जिद देगी अल हरम को टक्कर। अयोध्या में दिखेगी ताजमहल जैसी खूबसूरती। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी है, क्योंकि ना सिर्फ राम मंदिर का भव्य निर्माण अंतिम पड़ाव पर है, बल्कि अब मस्जिद की भी नींव रखी जानी है। अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों के दर्शनों के लिए एक लंबा इंतजार अब जाकर खत्म होने वाला है, क्योंकि देखिए 24 दिन बाद मंदिर के गर्भगृह में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और फिर उसके बाद राम मंदिर से 26 किलोमीटर दूर धनीपुर में मस्जिद की नींव रखी जाएगी। अयोध्या में बनने जा रही मस्जिद कितनी भव्य और विशाल काय होगी, इसका अंदाजा पीछे से लगाइए कि 9000 नमाजी एक साथ यहाँ नमाज अदा कर पाएंगे। मस्जिद की एक एक ईंट खास इसलिए होगी क्योंकि इन पर कुरान की आयतें लिखी होंगी। मस्जिद की भव्यता ऐसी होगी कि ताजमहल जैसी खूबसूरती मस्जिद में साफ देखने को मिलेगी। मस्जिद का विराट रूप मक्का की अल हरम मस्जिद को भी टक्कर देगा। और जो लोग देखिए ये सोचते हैं कि ताकत के बल पर बाबरी मस्जिद उनसे छीनी गई, जिन लोगों की आंखों में आज की डेट में राम मंदिर की भव्यता चुभ रही है, जिन लोगों को राम मंदिर के दर्शनों से एतराज है, आज हम उन्हीं लोगों की जानकारी के लिए ये बता दें कि बाबरी को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में किसी व्यक्ति के नाम पर आज तक कोई मस्जिद इसलिए नहीं बनी क्योंकि देखिए मस्जिद अल्लाह के नाम पर बनाई जाती है। कहीं पर भी बाबर या फिर औरंगजेब के नाम पर कोई मस्जिद नहीं है। बात अगर राम जन्मभूमि की करें तो यहाँ जानबूझकर मंदिर तोड़कर मस्जिद के नाम पर गुंबद जैसी आकृति खड़ी की गई, जिसे जानबूझकर बाबा ने खुद का नाम दिया ताकि हिंदुओं की आस्था पर चोट की जाए, उनकी आस्था पर प्रहार किया जाए। और इस्लाम को मानने वाले लोग यही कहते हैं कि मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद को अल्लाह कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अब बाबरी नहीं बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद नजर आएगी। मोदी की गारंटी ने देखे राम मंदिर भी बनवा दिया है और अब मस्जिद बनाए जाने की भी तैयारियां जोरों पर है, जिस पर ताजा जानकारी दी है मस्जिद विकास समिति के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख जी ने। और जो कोई व्यक्ति ईंट देगा अपने माँ के नाम पे, पिताजी के नाम पे, या अपने बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए, तो उसका नाम नीचे लिखा जाएगा और उसके अंदर ये नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये ईंट हमने वफ कर दी। हम उसको उसकी ईंट की फोटो देंगे, उसका सर्टिफिकेट देंगे और उसके ऊपर नंबरिंग डाले, और नंबर भी हमने इस तरीके से ईंट पे भी नंबर दिया, एक पित्तल का हमने उसमें चिप डाल रहे जिसमें नंबरिंग होगा। अब हमारे आर्किटेक्ट ने हमने ये सोचा कि 200 साल 300 साल 400 साल के 500 साल के बाद अगर किसी वजह से दीवार में लीकेज आ गई या दीवार में कोई प्रॉब्लम आ गया या किसी वजह से दीवार तोड़नी पड़ी, तो उस जमाने के अंदर 200 साल 500 साल हाजी अरफात तो नहीं होगा, पर वो उसकी किताब बनाई जा रही है, बुक्स पूरी बना जी उसकी स्टोरी लिखी जा रही है, उस वक्त पे कोई ना कोई मेरे नस्ल में हाजी अरफात होगा, वो उसको देखेगा और वो ईंट को फिर वो दीवार को तोड़ी जाएगी और वापस वो ईंट नंबरिंग के हिसाब से फिर वो ईंट बनेगी और वहाँ लगेगी, ताकि हमने लोगों से कमिटमेंट किया ता कयामत तक कि आपकी ईंट लगेगी तो लगेगी। तो ये हमने सवाल का जवाब कर दिया कि जो हम जो लोगों से कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग उसको करेंगे। फरवरी के एंडिंग में हमारा मस्जिद ट्रस्ट के हम लोग सब लोग बैठ के बात करेंगे कि मुंबई से के हमारे पीर जो सरकार पीर आदिल बीजापुरी, उनके बेटे बीजापुर से निकलेंगे, ये ईंट अजमेर शरीफ जाएगी, अजमेर से मुंबई से हम लोग एक साथ सारे पीरों के साथ 1000 से ज़्यादा पीर और उलमा यहाँ से निकलेंगे और अयोध्या में पहुँच कर इंशाल्लाह ताला वो ईंट पेश करेंगे। फरवरी या रमज़ान बाद आगे पीछे हो सकता है, तो वो उस दौरान ही हम करेंगे और काम शुरू किया जाएगा। जब मस्जिद पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी कमेटी पूरे दुनिया में जैसे सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, मस्कत, कुवैत, ऐसी कई कंट्री के जो प्रिंस है, वहाँ के बड़े बड़े इमाम हैं, उनसे जब बातें की जाएगी और उनको इनवाइट किया जाएगा, जिसमें हरम के इमाम साहब को भी इनविटेशन दिया जाएगा और हम चाहेंगे कि इमाम हरम आए और पहली नमाज वो अदा करवाएंगे, ताकि देश और दुनिया के लिए उनका पहला कदम पड़ेगा और देश और दुनिया के लिए और अयोध्या के लिए, और खूब सारी दुआएं करें यहाँ पे नफरतें मोहब्बतों में बदल जाए और ये देश खुशहाल हो जाए और ये देश दुनिया का नंबर वन देश हो जाए। इसके लिए दुआ। फरवरी से काम शुरू हो जाएगा जिस तरह से रमजान के लगभग, ये कोई पूरा बन के कब तक तैयार हो जाएगा, कोई डेडलाइन अगर आपने रखी है कि मतलब 2 साल 3 साल के अंदर बन के तैयार? उसमें कैसा है कि मस्जिद का तो जिस मस्जिद 1.5-2 साल के अंदर मस्जिद का आर्किटेक्ट के हिसाब से 1.5-2
साल के अंदर मस्जिद का डिज़ाइनिंग वगैरह करके मस्जिद तैयार होगी, लेकिन उसमें कॉलेज है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, और जब अस्पताल है, अस्पताल को ज़्यादा वक्त लगता है, तो अस्पताल के लिए होगा, लेकिन जब भी होगा एक ही साथ दोनों चीज़, नमाज है तो जिस दिन हम फाउंडेशन रखेंगे उस दिन से ही ऑफिस वहाँ बनाई जा रही, नमाज का इलाका बनाया जा रहा है, वहाँ नमाज है तो उसी दिन शुरू हो जाएगी, पर हम ये चाहेंगे कि पूरी चीज़ एक साथ जब बन जाएगी तो पूरी दुनिया से जब लोग आएंगे, हमारे हिंदुस्तान से सब बड़े बड़े आलिम आएंगे, तो देखने वाली चीज़ होगी और उसी दिन से लोगों को फैज़ हासिल होगा, दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा, मस्जिद में दुआएं होगी और अस्पताल में इलाज होगा, अल्लाह उनकी दुआओं से डॉक्टरों के हाथों में अल्लाह शिफा देगा। तो अयोध्या की मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की तस्वीर को वास्तविक रूप देने के लिए बकायदा मक्का के पवित्र काबा में नमाज पढ़ाने वाले इमाम हरम को अयोध्या बुलाया गया है। दावा तो यही किया जा रहा है कि देश के अन्य मस्जिदों की तुलना में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद सबसे ऊंची होगी। 21 फीट ऊंची, 36 फीट चौड़ी इसी मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी रखी जाएगी। इसी मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और एक कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा और इसी मस्जिद में सभी धर्म के लोग प्रवेश कर सकेंगे। मस्जिद में आप मान सकते हैं कि 5000 पुरुष, 4000 महिलाएं समेत कुल 9000 लोग एक साथ नमाज पढ़ पाएंगे। जो लोग देखिए ये पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, आज उनकी आंखों के सामने मंदिर भी है और अब मस्जिद भी होगी। एक बार जयकारा लगाओ।